हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपसे एक ऐसा मेकअप लुक शेयर करने जा रही हूँ जिसे आप इंडियन वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक, आप लोगों ने बोला था मैं शेयर करूँ, तो ये गेस्ट मेकअप लुक है। आप इसे आराम से कर सकते हो, बहुत ईजी तरीके से करने जा रही हूँ। अगर आप नई दुल्हन है या आपने किसी और की शादी में जाना है, भाई आपकी भी अभी शादी है और आपने किसी और की शादी में जाना है, तब भी आप इस लुक को आराम से ट्राई कर सकते हो। और दोस्तों, बहुत आसान है इस लुक को करना। इसमें मैंने कुछ नई चीज़ें भी यूज़ की हैं, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो प्लीज़ आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर आपको मिल जाएगी। और दोस्तों, इस मेकअप लुक की खास बात ये भी है कि ये मैंने आज साड़ी पर किया है, और इस मेकअप लुक को आप साड़ी पर, लहंगे पर और ऑरेंज कलर के किसी भी आउटफिट के साथ आप इसे ट्राई कर सकते हो। चाहे लहंगा हो, गाउन हो, साड़ी हो या सूट हो, तब भी आप इस लुक को आराम से कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। और इस साड़ी को मैंने आज फर्स्ट टाइम वियर किया है अपने इस वीडियो में। इससे पहले मैंने कभी भी किसी वीडियो में इस साड़ी को शायद नहीं पहना है, जहां तक मुझे ध्यान है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज फ्रेंड मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरा ये आज का मेकअप लुक कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। और यहाँ पर दोस्तों, मैं सबसे पहले लगा रही हूँ एल्फ गुडनेस का फेस टोनर है। ये बहुत ही अच्छा टोनर है ये भी। इसके बाद दोस्तों, मैं यहाँ पर लगा रही हूँ वाओ का ये सनस्क्रीन स्प्रे है, बहुत ही अच्छा है। और इसका रिव्यू भी अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, मैं शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। आप जैसा कि जानते हैं दोस्तों कि समर स्टार्ट हो चुकी है, तो सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब भी आप घर में रहते हैं या बाहर भी जाते हैं, सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद दोस्तों, मैं ये गुड वाइब्स की हनी जेल लगा रही हूँ अपने फेस पर। जिनकी स्किन ऑयली होती है बहुत ज़्यादा, तो वो जेल लगा लीजिए। आप जेल का यूज़ भी कर सकते हो, इससे भी आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहेगी और अच्छी दिखती है स्किन भी। नेक्स्ट, मैं दोस्तों अपने मेकअप को अच्छे से फिक्स करने के लिए यहाँ पर लगा रही हूँ, ये है स्विस ब्यूटी की मेकअप फिक्सर है। अब मैं यहाँ पर स्पूली की हेल्प से अपनी आईब्रोज को सेट कर रही हूँ, या फिर ब्रश भी बोल सकते हो आप, ब्रश की हेल्प से भी कॉम कर सकते हो अपनी आईब्रोज को इस तरीके से। ये ब्रश है, आप देख सकते हो, इसमें इस तरह से एक तरफ ब्रश दिया गया है और एक तरफ फॉर्म दी गई है। अब मैं यहाँ पर दोस्तों स्विस ब्यूटी की आईब्रो पाउडर लूँगी और इसकी हेल्प से मैं अपनी आईब्रोज को फिल कर रही हूँ एंगुलर ब्रश की हेल्प से। तो जहाँ भी आपकी आईब्रो में गैप है, वहाँ पर आप इसे अच्छे से फिल कर लीजिए इस तरीके से। ये पाउडर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इसका रिव्यू मैंने अपने चैनल पर शेयर किया हुआ है। इसके बाद दोस्तों, मैं ये पर्पल का कंसीलर ले रही हूँ। स्मॉल फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं अपनी आईब्रोज को डिफाइन कर लूँगी। ये स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों, इससे आपकी आईब्रोज जो है और ज़्यादा खूबसूरत दिखती है और बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। तो आप आईब्रोज को भी डिफाइन कर लीजिए और मैं यहाँ पर आईलिड पर भी अच्छे से कंसीलर को अप्लाई कर लूँगी। इसके बाद दोस्तों, मैं यहाँ पर लैक्मे लूज पाउडर की हेल्प से अपने कंसीलर को सेट कर लूँगी। दोस्तों, ये स्ट्रे कुर्की का आई शेडो पैलेट है और इसमें से मैं ये लाइट ऑरेंज शेड है, इसे अपनी क्रीज लाइन पर लगाते हुए अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और दोस्तों, दोनों साइड्स पर ना आप टेप लगा लीजिए, बहुत ही अच्छा दिखता है आपका आई शेडो। इस तरीके से मैंने यहाँ पर सेलो टेप लगाई हुई है। तो ये देखिए, अच्छे से आपने इसे ब्लेंड करना है। दोनों आइज़ पर मैंने लगा लिया है। इसके बाद मैं दोस्तों मालियों का आई शेडो पैलेट से ये ब्राउन शेड ले रही हूँ और अपने आउटर वी कॉर्नर पर इस तरीके से मैं यहाँ पर लगा लूँगी इसे। और इस तरीके से आप देख सकते हो, और हल्के हाथों से आपने इसे ब्लेंड करना है। और एक साथ ज़्यादा प्रोडक्ट ना ले, थोड़ा थोड़ा लगाकर ही आपने इसे ब्लेंड करना है। इसके बाद दोस्तों, मैं पर्पल का कंसीलर ले रही हूँ और इस तरीके से इनर कॉर्नर्स में और हाफ आईलिड पर मैं इस कंसीलर को अप्लाई करूँगी यहाँ पर इस तरीके से, जैसा कि आप देख रहे हो, जैसे कि कट क्रीज बनती है, थोड़ा उस टाइप का मैंने यहाँ पर मेकअप करना है आज। तो मैं कट क्रीज बना रही हूँ यहाँ पर, बहुत ही थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेकर अप्लाई कीजिए। एक साथ ज़्यादा कंसीलर अप्लाई मत कीजिए, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर। और मैं भी कोई दोस्तों बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट हाँ, जैसा कि पसंद है मुझे मेकअप करना और धीरे धीरे बस प्रैक्टिस कर सीख ही रही हूँ अभी। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर, दोनों आईज़ पर इस तरीके से मैंने कट क्रीज बना ली है, और सिर्फ इनर कॉर्नर्स में और हाफ आईलिड पर ही मैं बना रही हूँ। आउटर वी पर मैंने कंसीलर को नहीं लगाया है। अब मैं यहाँ दोस्तों सेम पैलेट से ये आप देख सकते हो पिंक शेड ले रही हूँ। ये शिमर शेड है, ये उसी तरह का शेड आ रहा है जैसे कि रोज़ गोल्ड कलर होता है जो, ये आप देख सकते हो। मुझे कुछ उसी टाइप का कलर लग रहा था, तो बहुत ही अच्छा कलर लग रहा था आई शेडो का, आप देख सकते हो। मेरी साड़ी भी बहुत अच्छे से मैच हो रहा था। और इसके बाद दोस्तों, मैंने यहाँ पर एन वाई बे की लिक्विड लाइनर लगा ली है और मैंने विंग आईलाइनर लगाया है। और आपके पास जो भी लिक्विड आईलाइनर हो वो आप लगा लीजिए, जैसे भी आपको पसंद हो। इसके बाद दोस्तों, मैंने यहाँ पर कलर क्वीन का आप देख सकते हो फेस प्राइमर लगा लिया है यहाँ पर।
और मेरी साड़ी भी दोस्तों कुछ इसी कलर की है जैसे कि मैंने यहाँ पर आई शेडो लगाया है। तो आप बताइएगा कमेंट करके कि फाइनल लुक आपको कैसा लगा, एंड में देखिएगा आप मेरी साड़ी के साथ बहुत ही अच्छे से मैच हो रहा था। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर हुडा ब्यूटी का प्रो कंसीलर लगा रही हूँ, यहाँ पर जहाँ पर मुझे डार्क स्पॉट्स हैं और थोड़ी बहुत पिगमेंटेशन है वहाँ पर मैं इसे लगा लूँगी, और अपने डार्क सर्कल्स पर भी मैं इस तरीके से इसे लगा लूँगी यहाँ पर, और फिंगर की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी। और ये ना दोस्तों कलर करेक्टर जो है या कंसीलर जो भी आप इसे कहें, दोनों चीज़ें हैं, टू इन वन प्रोडक्ट है ये, तो ये ना बहुत जल्दी ड्राई होने लगता है, इसलिए आप जल्दी जल्दी इसे ब्लेंड कर लीजिए फिंगर की हेल्प से या फिर ब्रश की हेल्प से। तो मैं तो फिंगर की हेल्प से ही करती हूँ क्योंकि फिंगर की हेल्प से बहुत जल्दी और ईजिली ब्लेंड हो जाता है ये। इसके बाद दोस्तों मैं ये मेबेलिन की फाउंडेशन लूँगी, और ये फाउंडेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है दोस्तों, डस्की स्किन वाले भी इसे यूज़ कर सकते हैं। शेड नंबर वगैरह या सभी चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परचेज लिंक दे दूँगी, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। दोस्तों फाउंडेशन तो बहुत ज़्यादा अच्छा है लेकिन जो इसका स्प्रे है ना ये काम नहीं कर रहा है, जब से मैंने इसे ओपन किया है ना तब से ये काम ही नहीं कर रहा है, तो मुझे बार बार परेशानी होती है इसे इस तरीके से निकाल कर लगाने में। सच में मुझे नहीं पता था कि पर्पल ऐसा वाला प्रोडक्ट भी भेजेंगे, और वैसे प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, प्रोडक्ट में कमी बस यही है कि इसका स्प्रे काम नहीं कर रहा है। इसके बाद दोस्तों मैं डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अपने फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, और दोस्तों मुझे ऐसा लगता है ये ना फाउंडेशन जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, समर के लिए बहुत ही बेस्ट है, गर्मियों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, पसीने से बहता नहीं है ये फाउंडेशन। अलग से रिव्यू अगर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, मैं शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। और इसके बाद दोस्तों मैं ना बहुत जल्द लेकर आने वाली हूँ वीडियो कि फाउंडेशन कैसे अप्लाई करें अच्छे से, अगर आप कवरेज चाहते हैं किस तरीके से, क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए फाउंडेशन को लगाते टाइम, तो ये सब चीज़ें भी मैं जल्दी एक वीडियो में शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर देना, तभी आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। तो ये देखिए मैंने अच्छे से इसे ब्लेंड कर लिया है दोस्तों, फाउंडेशन हो या आई शेडो हो कोई भी चीज़ आप लगाते हैं तो उसे ब्लेंडिंग में अच्छे से टाइम दीजिए। इसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा कवरेज चाहती थी, इस तरीके से मैं फाउंडेशन को ही लगा लूँगी दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छी टिप है मेरी तरफ से। तो अगर आपको ज़्यादा कवरेज चाहिए इस एरिया में तो आप इस तरीके से फाउंडेशन को लगा सकते हैं, अगर आपके पास कंसीलर नहीं भी है ना तो आप फाउंडेशन को ही अप्लाई कर लीजिए, इससे ही बहुत अच्छी कवरेज मिलती है, बहुत अच्छा लुक आता है, आप खुद देखेंगे। मैं यहाँ पर ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लूँगी, बहुत ही ध्यान से ब्लेंड कीजिएगा क्योंकि आई मेकअप नहीं ख़राब होना चाहिए भी आपका। इसके बाद दोस्तों मैं लैक्मे लूज पाउडर की हेल्प से अपने फाउंडेशन को अच्छे से सेट कर लूँगी, अगर आपकी ऑयली स्किन है ना दोस्तों तो कॉम्पैक्ट पाउडर ज़रूर लगाइएगा। इसके बाद दोस्तों मैं शुगर के पैलेट से यहाँ पर कंटूर शेड लूँगी, और यहाँ पर मैं ओवल ब्रश की हेल्प से अपने फेस को कंटूर कर लूँगी, इससे शेप बहुत अच्छी दिखती है आपके फेस की, कंटूरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है दोस्तों, आपके फेस को स्लिम दिखाती है कंटूरिंग, तो इसलिए कंटूर ज़रूर कीजिएगा अपने फेस को। अगर आपको नहीं आती है तो इट्स ओके, बट अगर आती है तो ज़रूर कीजिएगा, आप चाहें तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों मैं शिवाना के ब्लश पैलेट से ये ऑरेंज सा शेड है ना, जो पीच सा शेड दिख रहा है, इसी कलर का मैं यहाँ पर ब्लश लगा लूँगी। ये ब्लश पैलेट ना दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया क्योंकि काफ़ी नेचुरल सा शेड दिखता है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लगता अपने फेस पे कुछ लगाया है हैवी सा। मेकअप को अच्छे से फिक्स कर लूँगी स्विस ब्यूटी के मेकअप फिक्सर की हेल्प से। नेक्स्ट मैं दोस्तों सेम पैलेट से हाइलाइटर को लगा लूँगी यहाँ पर, भाई हाइलाइटर ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है सच में, तो हाइलाइटर भी भाई ज़रूर लगाइएगा, सभी गर्ल्स सुन लीजिए, हाइलाइटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आपने कुछ नहीं भी लगाया ना हाइलाइटर ज़रूर लगाइएगा, बहुत ही अच्छे दिखते हैं यार फेस आपका, फेस आपका बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाता है हाइलाइटर। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर हिलेरी रहूटा के आई शेडो पैलेट से ये ऑरेंज शेड लूँगी और इनर कॉर्नर्स में ये हाइलाइटर लगा लूँगी, ऑरेंज कलर का ही मैंने आज सोचा क्यों ना हाइलाइटर अप्लाई किया जाए, तो यहाँ पर मैंने इनर कॉर्नर्स में हाइलाइटर को लगा लिया है, ब्रो बोन पर लगा लिया है। इसके बाद दोस्तों मैंने सेम जो क्रीज लाइन पर आई शेडो लगाया था ऑरेंज कलर का, वही मैं लोअर लैश लाइन पर भी लगा लूँगी स्मॉल पेंसिल ब्रश की हेल्प से। तो यहाँ पर मैंने अपनी साड़ी पहन ली है भाई, और अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ फेसिस कैनेडा की काजल, क्योंकि काजल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों, जब भी आप कोई इंडियन आउटफिट पहनते हैं ना तो काजल को लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, आपके लुक में चार चांद लगा देता है काजल भी, और आपको भी नज़र भी नहीं लगती, तो इसलिए काजल लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और साड़ी के साथ तो काजल और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। इसके बाद मैं यहाँ पर मेबेलिन का मस्कारा लगा लूँगी, आप चाहें तो फॉल्सेस लगा सकते हो, अगर आपको फॉल्सेस लगाना पसंद नहीं है तो मस्कारा के ही 2 से 3 कोट लगा लीजिए, उससे आपकी आईलैशेस और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखेगी। तो यहाँ पर मैं पर्पल की लिक्विड लिपस्टिक लगा रही हूँ, ये मिनी लिक्विड लिपस्टिक है, रेड कलर का शेड लगाया है मैंने यहाँ पर, आपके पास जो भी लिपस्टिक हो तो वो आप लगा सकते हो। इसके बाद मैंने अपने यहाँ पर मांग में सिंदूर भी लगा लिया है दोस्तों, इस तरीके का भी आप हेयर स्टाइल बना सकते हो, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आपको बनाकर दिखाया, आप इस तरीके से जूड़ा बना सकते हो आपको पसंद हो तो, और अब मैं यहाँ पर दूसरे तरीके से जूड़ा बना रही हूँ, यहाँ पर पफ बनाकर आप देख सकते हो,
और दोस्तों हेयर स्टाइल आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, जैसे भी आपको जूड़ा वगैरह बनाना पसंद है। तो यहाँ पर ये जो आप जूड़ा देख रहे हो दोस्तों, मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किया है, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो प्लीज़ आप एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों ये है मेरा फाइनल लुक, आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों कि आपको मेरा ये आज का लुक कैसा लगा। और दोस्तों आप मुझे फॉलो कर सकते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम, MX Takatak पर भी। और दोस्तों एंड में मैंने यहाँ पर कुछ ब्यूटीफुल सी पिक्चर्स आप लोगों के साथ शेयर की हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा ये लुक। तो चलिए दोस्तों अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। Oh, 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 oh